परंतु हम अपनी छबीली का हाथ किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहते जो हमारी बुंदेलखंड की आबरू को मिट्टी में मिलाकर ईर्ष्याओं के ठुमकों में व्यस्त रहता है। क्षमा किशन, जी आप कृपया करके अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। वरवधु लक मंडप में आसीन होने वाले इस कक्ष में प्रवेश करते ही आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। काशी नरेश से आपके वर्षों पुराने संबंधों पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा महाराज। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। यदि ये चर्चा आप यहां समाप्त करेंगे तो हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। हम आग बिछाए भारत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें आशा है कि शुभ मुहूर्त के पहले हम दोनों वधूवर एक साथ लग्न मंडप में विराजमान देखेंगे। अवश्य महाराज। महाराज एक बार फिर मेरी बात पर विचार करके देखिएगा। जीवन में ऐसे प्रस्ताव बार बार नहीं आते। चमकराव जी, सूर्य को पश्चिम से निकालने की चेष्टा मत कीजिएगा। महाराज, गंगाधर राव को मैं अत्यंत निकटता से जानता हूं। जैसे वो दिखाई देते हैं वैसे वो है नहीं। चमकराव जी, ये आपकी मित्रता निभाने की पराकाष्ठा है, परंतु मुझे यह संबंध मंजूर नहीं। असंभव। महाराज आप फिर से मेरी बात समझने की चेष्टा कीजिए। इससे दोनों परिवारों के बीच में जो संबंध है वो और प्रगाढ़ हो जाएंगे और आपकी मणिकर्णिका को एक अच्छा वर मिल जाएगा। इधर आओ। तो मालूम ही नहीं कि पेशवा महाराज के दिल में हमारे महाराज के लिए इतना विष पनप रहा है। इस कन्या की साहसिक क्षमता हमने कानपुर में देखी थी। अंग्रेजों को पूर्ण विश्वास है कि आप विवाह नहीं करेंगे, परंतु उनको जब यह मालूम होगा कि हमारे महाराज गंगाधर राव विवाह करने वाले हैं तो उनकी सारी योजनाओं का कुठाराघात हो जाए। मनु अपना भाग्य स्वयं लिखने की क्षमता रखती है। जिसके हृदय में तिरंगियों के अत्याचार के विरुद्ध आग धधक रही हो वो कन्या कोई सामान्य कन्या नहीं है। शामक राशि हमारी मनु इतिहास रचेगी, इतिहास। परंतु हम अपनी छबीली का हाथ किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहते जो हमारी बुंदेलखंड की आबरू को मिट्टी में मिलाकर ईर्ष्याओं के ठुमकों में व्यस्त रहता है। सागरिया, मैं लगता है कि तुम्हें भी यह पसंद है। महाराज, हम सब ने तय किया है कि पेशवा महाराज आपसे विधिवत तरीके से क्षमा मांगेंगे। भोपटकर जी, हम निर्णय ले चुके हैं। दाते जी। जी महाराज। आप इनके पिता श्री श्री मोरपंत जी को शादी का प्रस्ताव भेज दीजिए। जय ईश्वर। महाराज,
हमारे कानों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जिस प्रकार पेशवा बाजीराव ने वो फटकर जी, श्रीमंत बाजीराव पेशवा की प्रतिक्रिया उचित थी। जब दो परिवारों के बीच गहरे मतभेद होते हैं तो संबंधों में ऐसी कड़वाहट स्वाभाविक है। परंतु जिस अभिमान के साथ वो मणिकर्णिका की गुणों की चर्चा कर रहे थे, हमें आभास हो रहा है कि वो कोई साधारण कन्या नहीं। बाबा, बाबा, बाबा। बाबा, बाबा, बाबा। अरे बोलो बेटे। बाबा, ये पंडित जी झांसी से आए थे ना? हाँ बेटे। आपसे क्यों मिलने आए? बेटे, वो तुम्हें झांसी ले जाना चाहते हैं। नहीं नहीं बाबा, हमें झांसी नहीं जाना, हमें सदर नहीं चाहिए। बेटे, हर पिता अपनी पुत्री को ये दंड देना चाहेगा। हे देवा, आप भी। मुरुपन जी, बारात आ गई। अभी आ रहे। चलो बेटे, बारात आ गई। चलो चलो, चलो। सुकू भाई साहब, आपकी नजर में मैं कुछ नहीं, लेकिन आप सच बोलने से तो नहीं रोक सकती। कैसा सच लच्छो? सच तो ये है कि आपको गरूर है कि आप जो कुछ कर रही हैं वो कोई नहीं समझ सकता। लेकिन होता तो हमेशा उल्टा है उसका। उसका कारण ये है कि हम गंगाधर राव के शत्रु कम और एक दूसरे के दुश्मन अधिक हैं। हम यूं ही आपस में एक दूसरे के गले काटते रहेंगे और ताजो तख्त पर कोई और ही बैठा नजर आएगा। बिना भड़ गए आप बहक उठी। अपशगुन है ये, बहुत बड़ा अपशगुन। गंगा को भगीरथ बनकर मैंने भागीरथी बनाया और तुम उसे मणिकर्णिका घाट पर रोक लेना चाहती हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गंगा को सागर में छिपे मोती तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तू एक तवायफ और इतने बड़े ख्वाब। मैं महाराज गंगाधर राव से सच्चा प्यार करता हूँ और मेरा प्यार उन्हें भी जीतेगा, उन्हें भी जीतेगा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।